असल मैं अरबाब जहांगीर आप हाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खिद अरबाब जहांगीर उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे वहाज अली और यमुमना जैदी के फैंस के लिए बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज़ है नए साल के मौके पर वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पता चल सकेगा कि ये एक्साइटिंग न्यूज़ किस बात से मुतल है चूँकि साल का अख्ताम हुआ और इस साल के अख्ताम पर फस्ट ड्रामा आईकॉन एवॉर्ड्स का इनका भी हुआ अब उसमें बेस्ट एक्टर का एवॉर्ड बेस्ट एक्ट्रेस का एवॉर्ड बेस्ट ड्रामे का एवॉर्ड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस किसने जीता आ, कौन कौन वहाँ पर कामयाब रहा और कौन नाकाम रहा इससे मुतल आपको इस वीडियो में डिटेल्स शेयर करेंगे और इसके साथ साथ एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानब से भी एवॉर्ड करवाए गए और साल के अख्ताम पर जब उसने अपने विनर्स का ऐलान किया तो उसमें कौन कौन शामिल था ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा अभी जो टी वी चैनल की जानब से एक बड़े मीडिया ग्रुप की जानब से ये एवॉर्ड्स करवाए गए और उन एवॉर्ड्स को करवाने का जो क्रेडिट है वो तो ज़ाहिर है उनको जाता है लेकिन वहाँ पर विनर्स कौन कौन सामने आए और किस किस के दरमियान मुकाबला था और लोगों की तो अवॉर्ड से किस हद तक पूरी हुई तो इस वीडियो में आ, सारी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इंफॉमेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहे तो फर्स्ट ड्रामा आईकॉन एवॉर्ड्स का इनका दो तीन रोज़ पहले चंद रोज़ पहले हुआ और ज़ाहिर है कि एक अवॉर्ड फंक्शन जब उसको शूट किया जाता है जब वो जिस दिन रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको एडिट होने में फिर उसको ऑन या आने में थोड़ा सा वक्त दरकार होता है उसमें चंद दिन लग जाते हैं चूंकि एक लंबा इवेंट होता है एक बड़ा प्रोग्राम होता है तो फर्स्ट आईकॉन एवॉर्ड्स के की कैटेगरीज़ बहुत सारी थी लेकिन जो कैटेगरीज जिनसे मुतल आप तमाम लोग जानना चाहते हैं हम सिर्फ उन कैटगरीज़ की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट डायरेक्टर का एवॉर्ड बहुत सारे नाम शामिल थे बड़े बड़े ड्रामे इस साल आए जो कि मशहूर हुए लोगों को पसंद आए लेकिन सिराजुल हक को तेरे बिन के लिए इसमें बेस्ट डायरेक्टर पॉ पॉपुलर कैटेगरी का अवार्ड मिला और ज़ाहिर है कि तेरे बिन के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी चूँकि सराजुल्हक की डायरेक्शन बहुत ही आला थी इस ड्रामे में और इस तरह की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की कि फिर लोगों को मीरब और मुरतसम के किरदार बहुत ही शानदार और जानदार लगे फिर ज़रा सा आगे चलें तो बेस्ट ड्रामे का जो एवॉर्ड मिला इस इन एवॉर्ड्स में आइकॉनिक एवॉर्ड में वो भी ज़ाहिर है किसी और को मिल नहीं सकता था वो उस कैटेगरी में मुझे प्यार हुआ था मोहब्बत गुमशुदा मेरी और दीगर और कई ड्रामे उसमें शामिल थे उसमें कुचन कही उसमें काबली पुलाव जैसे ड्रामे भी शामिल थे जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया लेकिन तेरे बिन का कोई मुकाबला नहीं था 2023 में और ये ये अवार्ड तेरे बिन के ही नाम रहा और फिर जब बात आई मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस की बेस्ट एक्ट्रेस की तो वहाँ पर भी एक तो दो दो नॉमिनेशन थी उम नजैदी की बख्तावर के लिए भी और तेरे बिन के लिए भी और हानि आमिर थी मुझे प्यार हुआ था के लिए जबकि उस ड्रामे में उनकी एक्टिंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद किया गया और भी जो दीगर नॉमिनेशन थी उसमें कोई कामयाब नहीं हो सका और यमुना जैदी को ये एवार्ड दिया गया और साल के आखिरी दिन वो ये एवॉर्ड हासिल करने में कामयाब रहीं तो बड़ा जबरदस्त अख्तितम किया तेरे बिन और उसकी कास्ट ने इस, ड्राम, इस साल का और जाहिर के अगले साल का आगाज भी बड़ा ही शानदार और जानदार होने जा रहा है और फिर जब बेस्ट एक्टर की कैटेगरी आई बिल्कुल आखिर में तो उसमें भी नॉमिनेशनस काफ़ी सारी थी वहाँ पर बिल अब्बास फरहान सईद जैसे ऐसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे ऐतिशामुद्दीन जिन्होंने काबली पुलाव में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है वो भी वहाँ पर मौजूद थे खुशहाल खान जो कि एक नई एंट्री है रिलेटिवली मोहब्बत गुमशुदा मेरी में एक्टिंग करके वो भी वहाँ पर मौजूद थे लेकिन वहाज अली को ये अवॉर्ड मिला मुतसम खान का किरदार ऐसा था कि दो में किसी और का कोई मुकाबला ही नहीं था तो ये बेस्ट एक्टर पॉपुलर uh, कैटेगरी का ये अवार्ड मिलना ही वहाजली को था बल्कि अगर हम क्रिटिक्स अवार्ड की तरफ चले जाएं तो क्रिटिक्स uh, के भी अवार्ड्स तेरे बिन को ही मिलने चाहिए थे और इन्हीं दोनों को दिए जाने चाहिए थे क्योंकि uh, जो एक पॉपुलर कैटेगरी होती है उसमें आम तौर पर एक्टिंग और बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा uh, मकबूलीत को मद्देनज़र रखा जाता है लेकिन अगर आप एक्टिंग वाइज़ स्किल वाइज़ क्वालिटी वाइज भी तेरे बिन और ख़ासतौर पर वहाँ चली और यमुना जैदी की परफॉर्मेंस देखें तो चाहे वो पॉपुलर कैटेगरी हो चाहे वो क्रिटिक्स कैटेगरी हो हर अवार्ड तेरे बिन को ही जाता है अब इस पर आप लोगों की क्या राय है क्या आ, कुछ आ, और दीगर ऐसे ड्रामे या अदा और अदाकारे मौजूद थी जिनको ये अवार्ड्स मिलने चाहिए थे या नहीं तो इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा और फिर जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जो अवार्ड्स हुए हैं उनकी डिटेल के साथ फिर अगली वीडियोज़ में आपसे मज़ीद बात होगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़